भाई जरूरी है क्या जो तुम्हारे माइंड ने बोला वही सही हो? भाई जो तुम्हें आंखों से दिखता हो वही सही हो? कई बार जो आंखें धोखा खा जाती हैं, और ये बहुत गलत परसेप्शन है बेटा जो रोहन आप बोल रहे हो। आप किसी को जज नहीं कर सकते और आपको किसी को जज करना भी नहीं चाहिए, है ना। मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है और मैं चाहे तो आप शेयर कर लेती हूँ। एक बार ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी, वही 50-60 साल के एजेड पर्सन, अपने 24 साल के लड़के के साथ कहीं जा रहा था ट्रेन में। अभी उस ट्रेन में, अब ट्रेन ऑब्वियसली खाली तो नहीं होगी, एक कपल भी बैठा था, है ना, यंग लड़का लड़की, डायनामिक सब कुछ था, ठीक है। तो अचानक से वो लड़का कहता है कि पापा पापा देखो ना, ये पेड़ देखना पीछे जा रहे हैं। आप सोचिए, 24-25 साल का लड़का कहता है कि ये देखना पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो उसका डैड ऑब्वियसली स्माइल किया, फादर ने, और कहा हाँ बेटा। उसके बाद वो जो यंग कपल बैठा था, वो लड़का लड़की बैठे थे, आपस में खुसर पुसर शुरू हो गई कि ये क्या इतना बड़ा लड़का और क्या बोल रहा है। तो उन्होंने खैर ये सोचा, बेचारा दिमाग से थोड़ा खराब, मतलब दिमाग थोड़ा कम होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो लड़का चिल्लाया, पापा पापा देखो ना, बादल भी हमारे साथ चल रहे हैं। अब वो लड़का लड़की थोड़े से फिर से बोले, दया आ गई उनको, उन्होंने बोला, अरे अंकल जी, आप इसको किसी हॉस्पिटल में दिखाओ ना, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में दिखा लो, जो सलाह दे दी बेमतलब। तो उस बूढ़े आदमी का रिप्लाई था कि जी बेटा, हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, एक्चुअली मेरा बेटा जन्म से अंधा था और आज ही इसको आंखें वापस मिली हैं।